हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 जूलॉजी सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप सेकंड पेपर ये आज जो हुआ है आपका इकोलॉजी का मिनिमम 40 मार्क्स का हुआ है। आपको यहाँ पर सेक्शन ए में हम आज वस्तुनिष्ठ जो है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। और साथ ही बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर इस सेक्शन से हमारे जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए थे, जो प्रत्येक जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स का था यहाँ पर, ठीक है। जो है टिक करने थे यहाँ पर, सही उत्तरों का चयन करना था। तो यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल की सतह पर तैरने वाले जीव कहलाते हैं, तो यहाँ पर आएगा पटलक, पटलक, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया, तो यहाँ पर हाथी है, ठीक है। झींगे की विकृति का कारण है, तो यहाँ पर स्वस्थानीय है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के निषेचित अंडे से विकसित होता है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। आप जो है पता कर लेना अपनी बुक में से। तो यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है यहाँ पर, ठीक है। आपको 1 यूनिट से जो क्वेश्चन बना था, 1 यूनिट से जो है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई एक पर लिखनी थी। यहाँ पर तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, ये पुराना क्वेश्चन ही आया था, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड। नेक्स्ट है इकाई 2 से प्राकृतिक संसाधन एवं इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर स्थलीय समुदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 3 से आया था दोस्तों आपका शोर क्या है, शोर के प्रदूषण एवं प्रभाव को समझाइए। नेशनल पार्क के सेंचुरी पर टिप्पणी लिखिए। यूनिट 4 से आया था दोस्तों आपका मोती का संगठन देते हुए इसके आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए, यहाँ पर इसके अथवा में आया था मेडक संवर्धन पर संक्षिप्त एक लेख लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 जो है यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 यूनिट से दिया गया है हमारा लाक संवर्धन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसका वर्णन करना था, ठीक है। जैविक नियंत्रण के विभिन्न कारकों का संपेक्ष में वर्णन कीजिए। अब खंड सी आ जाता है, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क होता है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट 1 से आया था आपका जो है क्वेश्चन जैविक कारक क्या है, जैविक कारकों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। जीव संख्या क्या है, इसकी विभिन्न विशेषताओं का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। यूनिट 3 से आया था आपका स्वच्छ जलीय आवास का विस्तृत वर्णन कीजिए, उसके अथवा में आया था स्रोत क्या है, पुनः नवीनीकरण प्राकृतिक स्रोतों के विषय में लिखिए। इकाई 3 से आया था प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों पर एक निबंध लिखिए। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, नगरीकरण के लाभ एवं हानियों पर प्रकाश डालिए। 4th यूनिट से आया था मत्स्य संवर्धन के प्रबंधन का वर्णन कीजिए, जलशाला प्रबंधन पर निबंध लिखिए। नेक्स्ट है दोस्तों जलशाला प्रतिबंधन पर निबंध लिखिए। यूनिट 5 सब्जियों के पीड़क के नाम लिखिए, किसी एक पीड़क के जीवन चक्र उसके रोकथाम लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन पर विस्तार से समझाइए, ठीक है। यहाँ पर जो थे हमारे लास्ट क्वेश्चन था रेशम कीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है आज पेपर देखा कैसा आया था, ये पेपर जो है आपका RDBB यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो आप इसे पेपर को सॉल्व जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइप से ही पेपर आएगा आपका, ठीक है। प्रीवियस ईयर के यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे, बाकी आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।